नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, रंगों के त्योहार होली से जुड़ी हैं कई कथाएं। रंगों के त्योहार होली को मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस त्योहार का सामाजिक और धार्मिक महत्व है। होली के दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाकर हर भेद को मिटा देते हैं। आइए जानते हैं इस त्योहार को लेकर कुछ कथाओं के बारे में। भक्त प्रहलाद की कथा तो सभी ने सुनी होगी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान था। उसने भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया। होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। तभी से इस त्योहार को मनाने की प्रथा आरंभ हुई। होली को लेकर एक अन्य कथा है कि जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण के वध के लिए राक्षसी पूतना को भेजा, तब बाल कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए राक्षसी पूतना के प्राण हर लिए। इस प्रसंग की याद में मथुरावासी राक्षसी पूतना का पुतला बनाकर जलाने लगे। तभी से इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। एक और मानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तब माता यशोदा कहती है कि तुम राधा को उस रंग में रंग दो जो तुम्हें मन भावन लगे। भगवान श्री कृष्ण राधा को मन भावन रंग में रंगने चल देते हैं और इस तरह रंग उत्सव का आरंभ हुआ। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह के लिए कठोर तप कर रही थी। शिव भी तपस्या में लीन थे। लड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने भेजा। तपस्या भंग होने से भगवान शिव क्रोधित हो गए और कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने उन्हें पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। इस कथा के अनुसार होली में काम भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम का उत्सव मनाया जाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।